जाइए मत, मैं आ रही हूँ। आखिर तुम खाना लेकर आ ही गई। मुझे तो लगा आज खाना मिलेगा ही नहीं। जब मुझे भूख लगती है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। माफी चाहती हूँ। इंतजार से मुझे और भूख लगती है, और भूख लगती है तो मुझसे इंतजार नहीं होता। और लगता है तुम आज बहुत खाने वाली हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। नाश्ता परोस दिया है, उसे ठंडा मत होने दो। तुम दोनों अपना झगड़ा खत्म करो और चुपचाप खाना खाओ। अब बैठो और तमीज से पेश आओ। आप कहो सर आंखों पर। ये हुई ना बात। आपकी इजाजत हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? इतनी जल्दी नहीं। क्या कुछ और काम है? मुझे ये जानना है कि तुम कहाँ जा रही हो। ओ, मैं तो बस किचन में जा रही थी ताकि मैं अपने लिए कुछ नाश्ता बना पाऊँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कल रात का अपना वादा याद है या नहीं? ओह, तुमने उस लड़के को आज घर बुलाने का वादा किया था। हाँ, और तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम उसे ढूंढोगी और घर पे लेके आओगी खाने के लिए? हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से। लेकिन मैं ये कैसे कर सकती? मैं तो कुछ मत कहो। जब से उस लड़के से मिली हूँ तब से मुसीबत में ही पड़ गई हूँ। काश मैं उसे कभी ना मिली होती। मुझे मदद करने दो। और तुम अकेले नहीं ले जा सकती हो। और क्या वो सच में राजकुमार चार्ल्स है? ओह, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मैं उसे ना ढूंढ पाई तो मुझे कभी खाना नहीं मिलेगा। सिंड्रेला, हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए ये ले। ये ज्यादा तो नहीं है पर कम से कम कुछ तो है। ये बहुत मीठे सेब हैं, तुम्हें पसंद आएंगे। खाना खा लो, फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे लड़के को ढूंढने में। तुम कितने अच्छे हो। चलो सब मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद हम उसे ढूंढेंगे। ये लो बैग, ये तुम्हारे लिए। जान सकती हूँ। रुको। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हें देख के चलना चाहिए, ऐसे लोगों को गिराना अच्छी बात नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, वो तो कोई और था। क्या करूंगी, हमने तो हर जगह उसे ढूंढ लिया। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाई तो माँ मुझे घर के अंदर कभी नहीं आने देंगी, मुझे बाहर निकाल देंगी। या शायद वो सच कह रहा हो, शायद वो महल में ही रहता हो। ओ नहीं, ऐसे इंसान को तो मैं नहीं जानता, मुझे माफ करना। राजकुमार चार्ल्स के एक दोस्त तो हैं, पर वो तुम्हारे बताए कद काठी के नहीं है। वो बहुत लंबे हैं और उनका नाम एलेक्स है। उनके बाल भूरे हैं, वो ये नहीं हो सकते। ओ नहीं, मैं गलत थी।
महल में जाना एक बेवकूफी साबित हुई। मुझे इस तरह से वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अगर ये एक परी कथा होती तो एक राजकुमार जरूर आता हमारी मदद करने को। हाँ। ओह राजकुमार। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। चलो सिंड्रेला, मैं तुम्हें महल ले चलता हूँ। ओह पैच, तो मेरा मजाक मत उड़ाओ। जानते हो मेरा राजकुमार कैसा होगा? वो बहुत ही प्यारा होगा और वो मुझसे बहुत प्यार करेगा। और पता है वो मुझसे किस तरह से बात करेगा? ऐसे झुक कर बात करेगा और कहेगा कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर मैं कहूँगी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये मैं क्या कह रही हूँ, शायद मैं पागल हो गई हूँ। ये मेरे साथ कभी नहीं होगा। मुझे क्या हो गया है? क्या मैं पागल हो गई हूँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पेड़ पर आराम से बैठा हुआ था, लेकिन तुमने आकर यहाँ पर सारा काम बिगाड़ दिया। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम वहाँ ऊपर छुप कर बैठे हो। किसी की बातें छुप कर सुनना अच्छी बात नहीं। गुस्ताखी के लिए माफ करना, लेकिन इससे पहले तुम आगे कुछ बोलो। क्या तुमने ये नहीं कहा कि तुम मुझे चाहती हो? तुमने कुछ गलत सुना, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ तो फिर ये बताओ कि महल तक क्यों गई थी? हाँ मैं महल गई थी, लेकिन कुछ खास वजह थी। सच बताओ, मुझे ही ढूंढ रही थी ना वहाँ? नहीं ऐसा नहीं था। हाँ लेकिन मैं महल गई थी, पर वो तुम्हारे लिए नहीं, कुछ जरूरी काम के लिए गई थी। कोई भी चीज अपनी जगह पे ढंग से नहीं है। और माँ क्या आपको लगता है कि सिंड्रेला उसको लेकर के भी आएगी? हाँ माँ, बेशक उसे उस लड़के को लाना ही पड़ेगा, वरना उसे इस घर में खाना नहीं मिलेगा। उसे यहाँ से जाने से पहले सब काम करके जाना चाहिए था। हाँ हमें ये काम नहीं करना। करना पड़ेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि राजकुमार को किस तरह का खाना पसंद है, ताकि तुम में से किसी एक को पसंद करे। हमें पता है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। मेरे साथ चलो तुम, मैं तुम्हें सच्चाई की मूर्ति के पास लेके जा रहा हूँ। कहाँ पर? कहते हैं कि इस मूर्ति के सामने खड़े होते ही सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। लेकिन मुझे क्यों ले जा रही हो? तुम महल गई थी और इनकार कर रही हो कि मेरे लिए नहीं गई थी। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, सच बताओ। तुम मुझसे सच जाना चाहते हो, जबकि तुम मुझसे सिर्फ झूठ बोलते जा रहे हो कि तुम राजकुमार चार्ल्स के दोस्त हो। पर ये झूठ नहीं है। ओ सच में? अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपना असली नाम बताओगे? तुम मेरा नाम जानना चाहती हो? जी हाँ। मेरा नाम एलेक्स है। ओह वाह, एक और झूठ। तुम राजकुमार के दोस्त नहीं हो? महल के रखवाले ने मुझे सब सच बता दिया है। एलेक्स के बालों का रंग भूरा है। अलविदा। अरे नहीं रुको, बच जाओ, वापस आ जाओ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, किस्मत ने इन दोनों को मिला ही दिया। सिंड्रेला, हमारे लिए रुको। सिंड्रेला, सिंड्रेला तुम्हें जाने से पहले बात कर लेनी चाहिए थी, ऐसे अचानक छोड़ के नहीं आना था। क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे लगा कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन मैं एक झूठे इंसान से कैसे दोस्ती कर सकती हूँ? लेकिन सिंड्रेला, अगर तुम उसे घर पे नहीं ले गई तो तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं देगी, याद है? ओ हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। अब मैं क्या करूँ? मैं दोबारा उसके पास कैसे जाऊँ? हमारे पास कोई चारा नहीं, जाना ही होगा। ये हो क्या रहा है? माफ करना सिंड्रेला, इस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी और शायद इसकी जरूरत भी नहीं। सिंड्रेला, इसे सच में मदद की जरूरत है। हाँ?
तुम यहाँ हो। हाँ? लड़के तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। लेकिन परेशानी क्या है, मेरा घर तो यही है ना। तुम्हें देखकर खुशी हुई, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे, अब मुझे तुम पर भरोसा हो गया है। अब चलो भी जल्दी, मेरी माफी कबूल करना और हमारे बीच हुई हर अनबन को भूल जाना। वाह, ये तो सचमुच राजकुमार लग रहा है। मैं तो भूल ही गई, पेंटिंग क्लास के बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वाकई में राजकुमार के दोस्त हो या नहीं। तुम्हें बस इतना ही करना है कि मेरी माँ और मेरी बहनों को बस वही सुनाना है जो कि वो सुनना चाहती हैं। पर वो सुनना क्या चाहते हैं? क्यों करते हो, तुम पागल हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे दो पैरों पे चलने की आदत नहीं है। तुम क्या कह रहे हो, तुम फिर मुझसे मजाक कर रहे हो। चलो उठो भी, हमें घर जाना है, जल्दी चलो। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे घर पर आए। आइए अंदर आइए, कुछ कहिए ना। हाँ, जो भी आप सुनना चाहें। ये काफी मजाकिया है, मेरे लिए कुछ काम है? नहीं, जरूरत नहीं। जब तुम बाहर गई थी तो हमने तुम्हारे सारे काम कर लिए, अब ज्यादा नाटक। यहाँ के सारे काम हमने निपटा दिए हैं। आप रसोई में जाओ और जाकर खाना बनाओ, और याद रहे वो स्वादिष्ट होना चाहिए। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी, आप अंदर आइए ना। मुझे लगता है गार्डन में खाना खाने में मजा आएगा, आइए ना। जैसा वो कहते हैं करो। मिस्टर एलेक्स, क्या यही आपका नाम है? है क्या? हाँ हाँ, वही है। मैंने सुना है कि आप राजकुमार चार्ल्स के बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या ये बात सच है? मैं और राजकुमार चार्ल्स? हाँ, हम लोग करीब 2 साल से घोड़ाबाजी कर रहे हैं। घोड़ाबाजी? घोड़ाबाजी, इसका क्या मतलब होता है? नहीं, कुछ नहीं, वो मेरा मतलब था कि मैं और राजकुमार चार्ल्स घोड़े की पीठ पे। मैं समझ गई, तुम मजाक कर रहे हो ना। राजकुमार को घोड़े पसंद है, सुना तुमने, उसे घोड़े पसंद है। यहाँ खड़ी मत रहो, जाकर खाना तैयार करो। हाँ, और जल्दी, मुझे सुबह से भूख लगी हुई है, समझे तो? हाँ, बिल्कुल, अभी लाती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, बाहर सब कुछ ठीक होगा ना? क्या तुम चाहती हो कि हम बाहर जाकर देखेंगे वो ठीक है कि नहीं? हाँ? और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम सब कुछ बदल देंगे। ये नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना माँ तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी, और मैं ये नहीं चाहती। ओ, सब बाहर ठीक हो। काश कि राजकुमार सारी लड़कियों में से सिर्फ मुझे ही पसंद करे, ऐसा ही होगा ना? राजकुमार को कैसी लड़कियां पसंद है? ये तो अच्छी बात है कि राजकुमार की पसंद हमें पता चल गई। वाह, सुना तुमने, ये तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। ये बताइए मिस्टर एलेक्स, कि राजकुमार को कौन सा जानवर पसंद है, घोड़ा या गधा? राजकुमार का पसंदीदा जानवर है हाइना। मुझे भी हाइना पसंद है। सच में? और राजकुमार का मनपसंद खाना कौन सा है? हाँ, राजकुमार चार्ल्स का पसंदीदा खाना है यही है। ये किस तरह का खाना होता है? मुझे नहीं पता, पर लगता है बहुत ही अच्छी डिश होगी, शायद वो चाइनीज डिश होगी। मिस्टर एलेक्स, आप ठीक तो हैं? जादू राजकुमार के बारे में भूल ही गई। अरे यार, ओ हाँ।
बात ये है कि वो दरअसल लड़का नहीं घोड़ा है। लड़का एक घोड़ा है, ये कैसे हो सकता है? शायद कोई जादू हो। हो सकता है। मुझे माफ करना, वैसे इस बार गलती मेरी थी। पता है हम दोबारा टकराए हैं, शायद किस्मत हमसे यही चाहती है। शायद, किसे पता। ओह काश कि मैं उसे फिर से देख पाता। बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! ये तो वही है। मैं भाग गया, मैं कब भागा था? बेतुके सवाल पूछने से बेहतर है कि मुझे देखो। नहीं नहीं संभाल कर। तुम मेरी फिक्र मत करो। नहीं होने दूंगा, अपनी राजकुमारी को। क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं तो। जान बचाई है, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्या बात है, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे सिंड्रेला की फिक्र हो रही थी, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया। माफ करना, शायद मैं भावुक होकर बहुत ज्यादा बोल गई, मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुमने पहचाना हम कहां पर हैं? देखो अपने पीछे। ओह, ये तो वही मूर्ति है जिसके बारे में तुमने बताया था। माफ करना। क्यों? लेकिन मेरा तुमसे झूठ बोलने का इरादा नहीं था। तुमने सही पहचाना कि मैं एलेक्स नहीं हूँ। और हाँ, मैं राजकुमार का सेवक नहीं हूँ। मैं तुम्हें सच बताऊंगा, मेरा असली नाम चार्ल्स है। ये एक बहुत अच्छा नाम है। तुम्हारा नाम तो राजकुमार के नाम से बिल्कुल मिलता है। इस बार तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो ना? अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं यहाँ से तुरंत ही चली जाऊंगी, इसीलिए सच बताओ। हाँ, कसम से। मुझे अभी भी तुम पर भरोसा नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें झूठा चार्ल्स बुलाऊंगी। अलविदा झूठे चार्ल्स, झूठा कहीं का। ओ, अगर तुम जानना चाहते हो मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम सिंड्रेला है, जो झूठा नहीं है। अलविदा। ओह, तो तुम्हारा नाम सिंड्रेला है, पर ये छड़ी पर गाजर लटका के क्यों घूम रही है?